जब दिल्ली जल रहे थे, हमारा दिल्ली के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री अहमदाबाद जाके मेजबानी कर रहे थे। सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस देश में दंगे भड़काने के लिए आर या पार की बात की। इसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, जेपीसी बनना चाहिए। कि जिन लोगों ने आग लगाई है वही अब इस पे राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली तो केंद्र मंत्री की जिम्मेदारी, इसलिए हम कहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिया। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी ये मेरे नाम सूत्र और मतुआ परिवार के दलित भाइयों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है? जी भावे मानुष हत्या हुई थी, हम मने करी ये एक प्लान जेनोसाइड गणहत्या। एक चीफ मिनिस्टर गैर जिम्मेदाराना बात करती हैं, और अगर इनको मालूम है ऐसा है तो तीन दिन पहले होम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई, साथ खाना पीना हो, पूछ सकते थे, क्यों नहीं विषय उठाया? इंसाफ के लिए, अमन के लिए बहुत जरूरी है कि ये बताया जाए कि किसने किया, क्यों किया, किसने उनकी सपोर्ट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दंगे को लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी संग्राम है। संसद में दंगों पर चर्चा, अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार घमासान मचा है। उधर दिल्ली दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत जोरों पर है। बीते दिन अमित शाह ने नागरिकता कानून को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा, तो दीदी अब दिल्ली दंगों को नरसंहार बता रही है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये बताया जाए कि किसने किया, क्यों किया, किसने उनकी सपोर्ट की। देश की राजधानी में दो दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता है, 45 भारत के सिटीजन्स की मौत हो जाती है, कई बच्चे यतीम हो गए, हजारों करोड़ की जायदादें जला दी गईं, तो हम खामोश बैठ जाएं? जिस कांग्रेस पार्टी और उन विपक्षी लोगों ने जिस प्रकार से सीएए के खिलाफ पूरे देश में झूठी प्रचार किया, अफवाहें फैलाई, एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम किया, आज वो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। हिंसा फैली है तो ऐसे लोगों के कारण हिंसा फैली है, और हिंसा में जो लोग हैं वो उनके लोग हैं। दिल्ली में दंगे तो थम गए, लेकिन सियासत जोरों पर है। विपक्ष केंद्र को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। गृह मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ है। गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए। चर्चा के लिए, हर विषय के लिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है, बट लेकिन स्थिति को बिगाड़ने के लिए किसी राजनीतिक दल को इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली दंगों के बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अपने हथियार दागे, जवाब में सत्तारूढ़ पार्टी ने भी पलटवार किया। 3000 लोगों को जो मर्डर किया 1984 में, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, उन लोग आज आके इधर ऐसे हंगामा कर रहे हैं। अमित शाह से इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल बढ़ता ही गया और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। और इसीलिए आज तक सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस देश में दंगे भड़काने के लिए आर या पार की बात की। उसी प्रकार दंगों को लेकर सियासत ऐसी गर्म है कि तपिश पश्चिम बंगाल तक है। अमित शाह ने नागरिकता कानून का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो दीदी ने भी जोरदार पलटवार किया। मोदी जी सीएए लेकर आए, ममता दीदी ने इसका विरोध किया। बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेनें जला दी, रेलवे स्टेशन जला दिया। जी भावे मानुष हत्या हुई थी, हम मने करी ये एक प्लान जेनोसाइड गणहत्या। रविवार को अमित शाह की रैली के दौरान कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने वो नारे भी लगाए जिसको लेकर अनुराग ठाकुर बुरी तरह घिरे थे। दीदी ने नारे लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद कांग्रेस भी गदगद हो गई। देखिए, इसमें तफ्तीश होना चाहिए, तफ्तीश होने का जरूर पता चलेगा, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री 3 दिन बाद वो भी
ट्विटर में बात करते हैं, गृहमंत्री कुछ नहीं बात करते, अजीत डोभाल को उतारा जाता, कौन है अजीत डोभाल? नागरिकता कानून के बाद दिल्ली दंगे, विपक्ष को नया हथियार मिल गया है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राशिद अलवी जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं चर्चा में, केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के और पूर्व के हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक वाजपेयी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं, आसिम बकार साहब एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे और मनोजीत मंडल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधांशु जी अब जुड़ गए हमारे साथ, मुझे पता चला है, तो सुधांशु जी पहला सवाल आप ही से है, यहां पर राजधानी में दंगे हुए, गृह मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस आती है और गृह मंत्री बंगाल में कह रहे हैं कि दीदी दंगे करा रही है, यह परिस्थिति देश की किस तरफ जा रही है और जवाबदेही किसकी बनती है इन परिस्थितियों के लिए? अंजना जी, जो आपने प्रश्न किया है, जवाबदेही वहां से बनती है जब कोई ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जिसका सिर पैर ही ना हो। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, सीए के बारे में हमारे तमाम सम्मानित विरोधी आज तक एक वाक्य नहीं बता पाए हैं जो भारत के नागरिकों की नागरिकता से संबंध रखता हो। सीए के विरोध करने वाले लोग आज तक अपना कोई प्रतिनिधि नहीं चुन पाए हैं जो ये दावा करते हैं कि वो 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4-5 हजार लोग खड़े हैं मगर अपने में से 4-5 लोग नहीं चुन पा रहे हैं। अब यह समस्या यह है, और जितने हमारे विरोधी हैं, अभी तक एक भी व्यक्ति ने, कभी एक भी नेता ने संयम बरतने की, शांति की अपील नहीं की है, इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी। तो गृहमंत्री हाँ, इस ढंग के बयान दिए हैं कि सड़क पे आना होगा, घर से निकलना होगा। गृहमंत्री की जवाबदेही, उनका इस्तीफा मांग रहा है। हाँ तो वही तो मैं बात कह रहा हूं, जब यह आंदोलन शुरू हुआ 15 दिसंबर से आज तक कभी कभी विपक्ष ने शांति की अपील की? बस आकर आप विपक्ष का इस्तीफा किस बात पे मांग रहे हैं? अगर आप यह करें सीए वापस लो, इसका अर्थ यह हुआ कि 140 पीआईएल जो सर्वोच्च न्यायालय में हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिए हैं विचार के लिए, आप अपने विवेक और समझ को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं 140 पीआईएल वापस ले लीजिए, फिर सीधे राजनीतिक लड़ाई लड़िए। ये क्या बात होती है कि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होगा, दोनों सदनों में व्यवस्थित बहस होगी, पूरा देश उसको टीवी पर देखेगा, उसके बाद आप कहेंगे कि हमें स्वीकार नहीं है तो रास्ता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में आप पीआईएल दाखिल करेंगे, पीआईएल एक्सेप्ट कर ली जाएगी, मगर उससे पहले आप कहेंगे वापस भी ले लिया जाए। यह कौन सी बात होती जो ये कह रहे हैं? इसका अर्थ है उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर वह अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या बात करते हैं? ठीक है, राशिद अलवी जी जवाब दीजिए। और साथ ही सीधा बीजेपी का आरोप है जिसमें कानून मंत्री तक कहते हैं कि आर पार की बात करके कांग्रेस अध्यक्षा ने ही लोगों को भड़काया है, इस पर आपका जवाब? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी भी नेता ने भड़काया, आप उठा के गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उठा के गिरफ्तार कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, और आप कह रहे हैं ज्यूडिशरी पे भरोसा नहीं। एक जज का जो दिल्ली के हालात ठीक करना चाहता है, उसका आप 1 घंटे में तबादला कर देते हैं? आपका जुडिशरी में बहुत भरोसा है। मेरा पहला सवाल ये है, सीएए की आपको ज़रूरत क्या थी? सिटीजनशिप तो आप जिसको चाहते उसको दे सकते थे, आपने ये हंगामा बर्पा क्यों किया है? मैं आपसे बताऊं, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर, उनकी फैमिली हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई, 67 में बांग्लादेश से आई है, सिटीजनशिप दी, आज वो मुख्यमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री, वो बाहर से आए, उनको सिटीजनशिप दी, आज वो मुख्यमंत्री है। आपने सीएए लाकर देश के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। आज आपका गृह मंत्री बंगाल में कह रहा है कि हम बंगाल को सोने का बना देंगे। क्या दिल्ली को सोने का बना दिया आपने? 48 लोग मारे गए जिसके अंदर पुलिस भी शामिल थी। 48 लोगों के मारने के बाद गृह मंत्री एक लफ्ज नहीं कह रहा है, एक लफ्ज ये नहीं कह रहा कि मेरी हमदर्दी है उन परिवारों के साथ, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। ऐसे वक्त जब अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारे देश में मौजूद है, दिल्ली जल रही है,
दिल्ली के अंदर हंगामा हो रहा है, बर्पा हो रहा है, 250 लोग जख्मी हैं अस्पताल के अंदर। इतनी इनसेंसिटिव सरकार मैंने कभी नहीं देखी है। आदमी अधमरे पड़े हैं और पुलिस वाला डंडा दे के कह रहा है राष्ट्रीय गान सुनाओ। क्या हो गया इस देश को? वो भी वो उसमें वो एक लड़का मर जाता है, पुलिस वाला सीसीटीवी पे तोड़ रहे हैं कैमरा को। क्यों तोड़ रहा है कैमरे को? ताकि तू कैमरे के अंदर ना आ जाए। आप शाहीन बाग के बारे में कहते हैं, आप गए वहाँ पे बात करने के लिए? टीचर्स का एजुकेशन होता है, डॉक्टर्स का होता है, सरकार बात करती है, आप क्यों नहीं बात करने गए वहाँ पे? अजीत डोवल को आपने तब भेजा जब 48 लोग मारे गए, आपने अजीत डोवल को ही भेज देते शाहीन बाग, जाके बात करते, समस्या का समाधान करते। केसी त्यागी सरकार तो आपके हाथ में है, केसी त्यागी ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और हाईकोर्ट कह रहा है कि भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ FIR करो। आपने एक के खिलाफ FIR नहीं की। अनुराग ठाकुर अभी भी मंत्री है। किस तरीके का देश आप चला रहे हैं? आप ये हिंदू मुसलमान को लड़ा के सत्ता हासिल करते रहेंगे? देश लड़ा रहा है केसी त्यागी जी हिंदू और मुस्लिमों को, हिंदू मुसलमान, राशि जी आप ही की बात आगे ले जा रही हूँ। केसी त्यागी जी, ये कानून तो लेकिन इस देश की संसद से पास हुआ ना, और उनका ये कहना है कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई आ रहा है जो शांति के लिए कह रहा हो लोगों से कि आप संयम बरते? अंजना जी, मुझको 74 के JP मोमेंट से लेकर के एक दर्जन जन आंदोलनों में भागीदारी मेरी हुई है, और जो मेरे अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल जो आंदोलन है उसकी कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, कोई उसका नेता होता है, कोई नियमबद्ध कार्यक्रम होता है। मेरे विद्वान दोस्त बैठे हैं कि मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, गांधी जी का आंदोलन था, JP का आंदोलन था, JP ने पहले दिन हम लोगों से कहा, जो छात्र संघर्ष समिति के लोग थे, अगर हिंसा हुई तो मैं आंदोलन से बाहर आ जाऊंगा। गांधी जी ने चोरी चौरा की हिंसा के बाद जवाहरलाल और सरदार पटेल को नाराज और निराश किया, लेकिन उसने आंदोलन वापस ले लिया। एक तो मैं कांग्रेस और BJP के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन चाहे वो वारिस पठान हो और चाहे कपिल मिश्रा हो, ये किसी पार्टी के सदस्य बनने लायक नहीं है। कोई आखिर क्यों इस देश के अंदर कहेगा कि 15 करोड़ जो है 100 करोड़ का इंतजाम कर देंगे? कोई भी आदमी क्यों पुलिस को धमकी देगा कि 2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद हम इंतजाम कर देंगे? सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक नई कार्यशैली स्थापित करनी चाहिए जिनके कार्यकर्ता मर्यादित हों, अनुशासित हों, और राजनीतिक विरोध की भी एक मर्यादा है। अभी मैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य देख रहा हूँ, अजीत डोभाल क्या होता है भाई? अजीत डोभाल कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में IB का हेड था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर। आज वो देश का NSA है, जैसे आपके भी NSA हुआ करते थे। गृहमंत्री के बाद गृह मंत्रालय का सबसे जिम्मेदार अधिकारी है अजीत डोभाल। वो मुस्लिम्स के मोहल्ले में जाकर कहता है इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक कर दूंगा, ये भाषा भाजपा की नहीं होती है, लेकिन अफसर जाके बोलता है। तो आप हर चीज में विरोध करें। ये जो संस्कृति पनपी है, ये जो लुम्पन संस्कृति पनपी है, ये जो आवारा किस्म के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए हैं, ये माफ करना, दोनों बड़ी जिम्मेदार पार्टी के नेता बैठे हैं, ना जनसंघ में थे और ना जवाहरलाल की कांग्रेस में थे, ये आए बाद में, ये इनका किसी चीज में यकीन नहीं है जो इस तरह के नारे लगाते हैं और भड़काते हैं। लिहाजा जो संसद में भी आज हुआ वो भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अलवी जी आपको सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता, 1984 के दंगे मेरी आंखों के सामने घटित हुए। हमारा दफ्तर था लोकदल का जंतर इस पर विंडसर पैलेस पर, कर्पूरी ठाकुर थे, मुलायम सिंह यादव थे, रामविलास पासवान थे, हम पुलिस की कुशामद कर रहे थे कि आकर के बचा लीजिए, हमारे सामने सिख मर रहे। तो ये जो संवेदनहीनता समाज में आई है, ये जो इंटॉलरेंस सिस्टम का हिस्सा बन गए, अब जरा जरा सी बात पे दंगे होते हैं, भड़काने क्या जरूरत है? भड़काने की जरूरत नहीं है। और मैं तारीफ करना चाहता हूँ, अलवी जी आप भी मेरा साथ दीजिए, प्रधानमंत्री कम से कम 4 बार कह चुके हैं, उन्होंने कह दिया साध्वी प्रज्ञा को कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कार सेवकों के मामले में भी कि
कि खबरदार इस तरह की गौ सेवा का मैं प्रशंसक नहीं हूं। खुद गृह मंत्री ने दो तीन बार मंत्रियों को कड़े शब्द में चेतावनी दी है, लेकिन इस तरह का जो एक हमारा पॉलिटिकल वर्ग पैदा हो रहा है जिसकी कोई सेंसिबिलिटीज नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है जी, किस तरह की प्रतिक्रिया हमने जिंदगी में नहीं सुनी। वारिस पठान बोल के चला जाता है, क्यों नहीं राशिद भाई आप जैसा सेकुलर मुसलमान उसको क्रिटिसाइज करता। ये बैठे हुए वकार साहब, इनसे पूछा जाना चाहिए, वकार साहब जवाब दीजिए, इससे किस मुसलमान को बचाना चाहते हो? भड़काने की क्या जरूरत है? 100 करोड़ हिंदुओं का इलाज कर देंगे 15 करोड़ मुसलमान। ये मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए आप जवाब दे दूं? हाँ बोलिए वकार, जवाब दे दूं। देखिए केसी त्यागी साहब बोल रहे थे, शायद मेरे सामने टीवी नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो वारिस पठान साहब का बयान केसी त्यागी साहब ने सुना नहीं। अगर उस बयान में 100 करोड़ अल्फाज आया होगा, 15 करोड़ तो आया मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर 100 करोड़ का अल्फाज आया होगा तो मैं आज अभी आज तक के चैनल पर राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वरना अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो केसी त्यागी साहब प्रेम भावना की बात कर रहे थे, वो प्रेम भावना की बात करते हैं कि त्यागी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बात त्यागी जी एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको गलत कहा है, उनके कोर्ट को सुनिए सुनिए, आप ही दोनों की बातचीत होगी, एक बार सुन लीजिए क्या कहते हैं त्यागी जी। वसीम सुनिए सुनिए, वारिस साहब अरे मेरी ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ, बहुत ज्यादती आप मेरे साथ कर रही हैं। के जो भाई हैं अकबरुद्दीन, उनका बयान पढ़ के सुनाऊं आपको? वकार बोल रहा हूं, ठीक है वारिस साहब, वकार साहब सर मैं एक सेकंड एक बोल तो ले दीजिए सर, को सर बोल तो ले दीजिए, छोटे भाई का अगली बार आएगा फिर बोल दीजिएगा आप, ठीक है सर अगली बार आएगा फिर बोल दीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट सर, पुलिस को अलग कर दीजिए इनको, आप मुझसे सीनियर है सर, ठीक कर देंगे सर, आप मुझसे सीनियर है सर, सर मुझे पता है आपको, सर सर मुझे पता है आपको बुरा लग गया, आप मुझसे सीनियर है मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरी बात, वारिस पठान साहब ने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, उन पर FIR भी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने माफी मांगी, किसने अपोलोजाइज किया, उनके किसी नेता ने उनके छोटे नेता के बयान का खंडन किया? नहीं किया। और केसी त्यागी साहब एक बयान आपको बता दूं, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा जी, उन्होंने माफ कीजिएगा अंजना जी, एक न्यूज 24 चैनल पर मुझको धमकी दी कि अगर आप लोग के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ रिएक्शन हो गया, प्रतिक्रिया हो गई तो 10 सेकंड में खत्म कर दिया जाएगा। इस पर भी जरा सा नजर डाल दीजिएगा एक बार आप। चौथी बात, अभी बात निकली थी कि किसी ने दिल्ली की हिंसा को रोकने के लिए अपील नहीं की, सर मैंने की और मैं अभी भी अपील कर रहा हूं, हिंसा कोई भी अकबरुद्दीन और वैसे से भी बुलवा दीजिए सर, उनकी बात लोग ज्यादा सुनते हैं। और एक अहम बात बोलने जा रहा हूं वो ये है कि 70 दिन से उन्हीं की बात सुनते हैं हम लोग तो उनके कार्यकर्ता हैं, बुलवाइए ना सर, सुनते उन्हीं की बात है, वो तो अभी भी एजिटेशन विरोध उकसाने वाली बातें कर रहे, बोले वो कई बार बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर ओवैसी साहब उकसाने वाली बातें कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट में कर्फ्यू लगा हुआ है, पिछले 4 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। ओवैसी साहब की ना वहां पार्टी है, ना कोई नेता है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उनकी भाषा जानता है। अब वहां पर कैसे लगा हुआ है 4 दिन से कर्फ्यू, अब वहां तो कोई नहीं जानता ओवैसी साहब को, लेकिन अब आप उसके बारे में आप नहीं बताइएगा। देखिए ये जो कानून आया है NPR, ये बहुत खतरनाक कानून है। आप जनगणना लेकर आ रहे हैं, आप जनगणना लेकर आ रही है, NPR लेकर आए हैं आप, कानून कौन सा आया है आसिम वकार साहब, कानून का क्या नाम है? नहीं मुझे पता नहीं है सर, बिना पता हो कि आप देश को संबोधित कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, कानून कौन सा आया है? NPR जो आप लेकर आ रहे हैं
देखिए सर यही तो गलत है ना। हाँ, कर रहा हूँ। कानून तो सीएए आया है। ये जो कानून लेकर आए सीए का, सी डबल ए कानून जो लेकर आए हैं, ये जो एनपीआर आप लेकर आ रहे हैं, ये जो एनपीआर लेकर आ रहे हैं, ये जो एनआरसी लेकर आ रहे हैं, ये सब गलत है। ये कानून के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। हो सकता हो आपके लिए बेहतर हो अंजना जी, सवाल पूछिए। हो सकता है आप इसको पसंद करती हूँ, ठीक है, ये हमारे लिए खिलाफ। जब आपके सारे तर्क दलील इधर उधर हो जाते हैं तो आपका यही हमेशा का मिजाज रहता है कि फिर अंजना पर ही सवाल किया जाए। सर आप तो गलत इन्फॉर्मेशन मत बोलिए। एनआरपी कानून कहते हैं, फिर कहते हैं एनपीआर, फिर कहते हैं वो जो कानून आ रहा है, आप बोल रहे हैं एक एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी स्पोक्सपर्सन की तरह बात कीजिए। मनोजीत जी, जब ममता बनर्जी के बंगाल में जाकर गृह मंत्री ये कहते हैं कि यहाँ पर दंगे हो रहे, व्यवस्था नहीं ठीक हो रही है, दूसरी तरफ दीदी कहती है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर नरसंहार कराया गया है, तो ये तो सियासत का यही तरीका हो गया है, हमेशा लोगों के मन में बैर बनाए रखो। मैं एक बात दीदी की बता दूं आप, मनोजीत जी, अरे मैं आ सकता हूं क्या? हाँ। साहब जी प्लीज, अंजना जी, आप अगर देखोगे वहां पर, आप ही के सिस्टर चैनल में मैं देखा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ पिछले कई हफ्तों में, वहां का लोकल लोगों में कोई तनाव नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, तो आप इसको दंगा कैसे कर सकते हो कि कम्युनल दंगा हो गया है? पुलिस खड़ी खड़ी देख रही थे, दो तीन दिन में कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन जब ही हल्ला मचा सब शांत हो गया, तो आप इसको क्या कहोगे अंजना जी? इसको सोची समझे बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड, इसको आप जेनोसाइड नहीं कहोगे तो क्या कहोगी? ममता दी बिल्कुल राइट है, वहां का जो माहौल है लोकल लोगों के अंदर बहुत अच्छे है, आप ही के चैनलों में मैंने देखा है, सिस्टर चैनलों में जाके कितना अच्छा भाईचारा है, फ्रेंडली है सब एक साथ, तो कैसे हो गया इस तरह का नरसंहार? आप बताइए ना मेरे को, अब दिखाइए वहां लोकल लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? लोकल जो है चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, हर जगह लोग शांत है, प्रॉब्लम तो बाहर से खड़ा किया गया, चाहे कपिल मिश्रा हो चाहे वारिस पठान जी की तरह लोग हो, वो लोग बाहर से जाके प्रॉब्लम खड़ा किया गया, और दोनों का देखिए कुछ 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 भी नहीं हुआ, ए है ए साइड और बी साइड दोनों ठीक चलते हैं, लोग जब मरते हैं अब देखिए कौन कौन लोग मारा है, दो एक कांस्टेबल एक आईबी ऑफिसर और हर तरह के जो आम आदमी उनका ही देहांत हो गया है, इन लोगों को कुछ नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है। और सीएए के बारे में आप बार बार कहते हो सीएए के साथ एनआरसी का क्या ताल्लुकात है, मैं सिर्फ 30 सेकेंड लूंगा, आज के दिन में इस देश में एक ही जगह में एनआरसी हुआ, 19 लाख लोग अभी डी वोटर हो गए हैं, जहां असम में जिसको हम डी वोटर मतलब वो लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, 19 लोगों में आप जब सीए वहां इंप्लीमेंटेड होगा तो 12 लाख लोगों को नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे और 7 लाख को नहीं मिलेगा, ये 7 लाख कौन है आप बताइए? जवाब दीजिए, 7 लाख लोग कौन है? क्योंकि 7 लाख लोग जो सीए में है, सीए के अंदर इनका नाम नहीं होता है, और सीएए कोई इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं है, मैंने बहुत पढ़ा है, सीएए एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ है, उसी के अंदर सेक्शन 14 ए सबसेक्शन 2 में एनआरसी भी आता है। हाँ, ये सब अभी बोल रहा है कि हम एनआरसी नहीं करेंगे, लेकिन दिसंबर 11 तक ले देख लीजिए अमित शाह जी का बयान, सीएए एनआरसी सीएए एनआरसी, डेढ़ सालों से ये चल रहा था मसला, हम एनआरसी देश भर में लागू करेंगे, यही जनता के जो आवाज मिली इसी मूवमेंट के वजह से इन लोगों को पीछे हटना पड़ा। दिसंबर 11 तक देख लीजिए सभी बीजेपी लीडर, चाहे मेरा दोस्त है बहुत काबिल दोस्त जो स्टूडियो में बैठा है अभी सुधांशु जी, उनके साथ बहुत डिबेट किया एनआरसी के ऊपर, उन्होंने भी कहा उनका ये स्ट्रेटेजी था, उनका ये जो मैनिफेस्टो का एक हिस्सा था कि देश भर में हम एनआरसी लाएंगे, तो लोगों के मन में शक तो बिल्कुल पैदा होगा, और इस शक को पूरा क्लैरिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ये बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने भ्रम पैदा किया। आ रही उसके बाद फॉरन आ रही हूं दीपक जी, सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए जो हमारे समस्त विरोधियों ने बोला बिंदुवार उसका जवाब देता हूं। एनआरसी हम लाए क्या? एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आई। एनआरसी का उद्गम कहां से हुआ? 1985 के राजीव गांधी के समझौते के तहत एनआरसी के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनआरसी की शुरुआत इंप्लीमेंटेशन की किसने की? मनमोहन सिंह की सरकार ने, यद्यपि वो धीमी गति से चल रही थी। और एनआरसी इज माई ब्रेन चाइल्ड,
एनआरसी मेरा बच्चा है, यह किसने ट्वीट किया? अक्टूबर 2018 में तरुण गोगोई ने, फिर भी एनआरसी का दोष हमारा है। गजब का तर्क है हमारे सम्मानित विरोधियों का। असीम वकार साहब ने कहा एनपीआर ला रहे हैं, तो एनपीआर मान्यवर चिदंबरम साहब लाए थे, भाई साहब आपकी दोनों पार्टी के बीच में प्रतिभा पाटिल महोदया ने उसकी शुरुआत की थी और वो 2010 से यथावत लागू है। तो एनपीआर, एनआरसी और इसकी बात जो है वो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही। अब आइए सीए पे, उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता क्या थी, मनोजीत जी ने कहा, तो मैं आवश्यकता बताता हूं कि आप 2012 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने प्रस्ताव पारित किया था जिसके अनुपालन में 30 अप्रैल 2012 को तरुण गोगोई जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखा था कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, बौद्ध और ईसाई, सिर्फ तीन नाम लिखे थे, इनको सिटीजनशिप देना आवश्यक है। मनमोहन सिंह जी ने 2003 में सदन में बोला था, कई बार बोल चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान लिखा था और 2003 में गृह मंत्रालय की कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी ने की थी। सुधांशु जी यही सवाल है, हाँ, कि तब तब लोगों ने बवाल नहीं किया, अब शक की निगाह से आप लोगों को क्यों देखा जाता है, इसका वजह होगी। बिल्कुल आपने जो बात कही सारी वजह इसी में है कि जो लिखा किसी ने कुछ और बोल कुछ और रहा है। 2003 में गृहमंत्री ये अपने मनमोहन सिंह जी कुछ और बोलते हैं, अशोक गहलोत कुछ और बोलते हैं, तरुण गोगोई कुछ और बोलते हैं, प्रणब मुखर्जी कुछ और बोलते हैं, कपिल सिब्बल कुछ और बोलते हैं। लिखित में कहते हैं कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, हंसराज भरद्वाज और लालू प्रसाद यादव जी, और आज वो कहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मेजोरिटी कम्युनिटी को रिफ्यूजी स्टेटस में सिटीजनशिप नहीं देनी है, बिंदु क्रमांक 9 पे लिखते हैं, और आज बोलने कुछ और लगते हैं। इसी को तो देख के मुझे लगता है कि फितरत कुछ और है, खाती के खाने के दांत और, दिखाने के दांत और। आज बवाल करना है इसलिए जो लिखा था उसके खिलाफ बोल रहे हैं। इस पे मुझे वही आज के इस दंगे को देख के बात याद आती है अंजना जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। 2003 में कुछ और था, 2006 में कुछ और था, 2012 में कुछ और था, और आज केवल 2018 तक कुछ और था, और केवल अपनी दीपक जी एक बार बोले, दीपक जी बोल रहे उसके बाद से राशिद अलवी जी के पास आए। जी अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने ये डिबेट इस दंगे पे शुरू की, आप दो तीन चीजों को एक क्रम में रखकर देखिए। प्रवेश वर्मा जी ने चुनाव के समय कहा था कि घर में घुसकर आपकी बेटियों और बच्चियों से बलात्कार होंगे, उनकी हत्याएं होंगी और मोदी जी और अमित शाह जी बचाने नहीं आएंगे, पूरा अंदाजा था उनको हिंसा का। संबित पात्रा जी ने कहा था कि हिंदुओं जाग जाओ नहीं तो काट डाले जाओगे, पूरा अंदाजा था उनको हिंसा का। मैं साजिश में नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन शब्दों का जो भी आप माने लगाए, इसके बाद जिस वक्त आपकी सिक्योरिटी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब हिंदुस्तान में थे, 85,000 का पुलिस फोर्स आपके पास है, बेस्ट इक्विप्ड पुलिस आपके पास है, बेस्ट ट्रेंड पुलिस आपके पास है, और जिन इलाकों में 15 दिन पहले झगड़ा हो चुका था, अब आप बताइए कि अगर 100 नंबर पे कॉल करके 5 घंटे 6 घंटे पुलिस नहीं आती है, इसका आप क्या मतलब लगाएंगे। अभी एक शो पर आपके यहां रोहित सरजाना के शो में बैठ के भाटिया साहब जो आईएएस अफसर, उन्होंने कहा कि 5 घंटों के लिए 6 घंटों के लिए पुलिस को दंगाइयों के हाथ में, शहर को दंगाइयों के हाथ में सौंप दिया गया। ये बड़े सवाल है कि इतना रिस्पांस टाइम क्यों था, ये सवाल, पुलिस का डिप्लॉयमेंट क्या था, इन सबको देखे जाने की आवश्यकता है, पुलिस की भूमिका को लेकर, ठीक है, या गलती थी। आप सैकड़ों लोग पुलिस की जवाबदेही और गृह मंत्री से ही मैंने अपना पहला सवाल शुरू किया था। दीपक जी एक सेकंड, अड़तालीस लोग मारे गए, पुलिस की भूमिका, सवाल तो सुनिए प्रभु, सवाल तो सुनिए, गृह मंत्री के ही जवाबदेही से मैंने पहली बहस की शुरुआत की, एनआरसी पे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रम की बात की तो क्रम में एक सेकंड दीपक जी, सवाल ये है कि क्या लोगों को जानबूझकर जानबूझकर हिंसा का शिकार होने दिया गया क्या? ठीक है, ये सवाल, इस सवाल और गृह मंत्री की जवाबदेही से ही मैंने बहस की शुरुआत की थी। जिम्मेदारी कैसे तय होगी? जवाबदेही से ही मैंने बहस की शुरुआत की थी। अब क्रम में आप बता दीजिए कि हम जय बजरंग बली, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा को कहां पर रखें? क्यों न पूछे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हिंसाग्रस्त इलाकों में आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों न ये पूछे कि धर्म और राजनीति जिस तरह से घुल मिल गई है, जिस तरह से हर पार्टी इसी को सियासी हथियार बन के चुनाव में उतरती है, उसमें किस पर उंगली उठाएं और किस पर उंगली ना उठाएं, ये भेद खत्म होते जा रहा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स से।
ये सवाल का जवाब मैं आपका देता हूं। पहली चीज, मैं खुद, हमारे विधायक, हमारे सांसद संजय सिंह, हम लोग रात को 4-4 बजे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घूम रहे हैं, भरे नंगे में, यहाँ के ज्वाइंट सीपी को, डीसीपी को सबको फोन करके बता रहे हैं इस गली में यहाँ लोग फंसे, इस गले में यहाँ लोग फंसे। अरविंद केजरीवाल जी रात को 4 बजे आपने सवाल पूछा, मैं सबका जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं ना, मैं मुख्यमंत्री पर सवाल पूछ रही हूं जी। मुख्यमंत्री खुद, सुनिए, हमने नहीं, मुख्यमंत्री खुद रात को 4 बजे, हम सब लोग की लोकेशन ले रहे, वो खुद गए दंगाग्रस्त इलाके में। हमने रात के जो काम किया आप देख रहे हैं, पहला स्टेट दिल्ली है, कोई भी राइट विक्टिम का कोई, सारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हम कर रहे हैं, एक एक आदमी को राहत सामग्री भेज रहे हैं, शांति की अपीलें कर रहे हैं। और दूसरी बात आप ध्यान रखिए, देखिए, धर्म की राजनीति और किसी का व्यक्तिगत धर्म दो अलग चीजें। गांधी जी ने गीता का भाष्य किया, धर्म के बारे में बात की पर धर्म की राजनीति नहीं की। लोहिया जी ने रामायण मेले लगाए, धर्म की राजनीति नहीं की, धर्म से नफरत फैलाने से आपत्ति है। क्या हनुमान चालीसा मान लीजिए पढ़ा अरविंद केजरीवाल ने, क्या आप यह कह रही हैं या कोई भी यह कह रहा है, मैं आपको नहीं कह रहा, कि वो दंगे का कारण है? यानी प्रवेश वर्मा का बयान, आप अनुराग ठाकुर का बयान, संबित पात्रा का बयान, जो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं उसको दंगे से कनेक्ट नहीं करेंगे, कोई पर्चा दर्ज नहीं करेंगे, कहेंगे कोर्ट में चल रहा है। अरे भाई, कोई इंजंक्शन है क्या कोर्ट से? इन तीन लोगों को उठा के जेल में क्यों नहीं डाल रहे जो दंगा भड़का रहा है? इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार का वरद हस्त है उन लोगों पे जो दंगा भड़का रहे हैं। और पुलिस का एक्शन यही सवाल उठाता है कि क्या ये पुलिस की नाकामी थी या पुलिस को इशारा था, इसकी जांच होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। जवाब दीजिए सुधांशु जी, और फिर मैं आपसे भी पूछूंगी जरा केसी त्यागी जी, कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के बयान, और अब तो देखिए ये, मतलब अगर मेट्रो स्टेशन पे ये गोली मारो गद्दारों को वाले नारे लग रहे हैं, अगर बंगाल में जाकर ये नारे लग रहे हैं, तो ये अगर नॉर्मल बन जाएगा तो फिर परिस्थितियां कैसे होंगी? मैं त्यागी जी से पूछूंगी कि आखिर बीजेपी क्यों बचा रही है नेताओं को, क्योंकि आपने भी कपिल मिश्रा का नाम लिया है, लेकिन सुधांशु जी आप ही एक बार समझा दीजिए सर कि कौन से प्यार और मोहब्बत की भाषा आपके जो महान नेता है, ये सब जिनको उतारा गया था चुनावी मैदान में, जिसकी वजह से ये पूरा मामला इस तरह से बढ़ता चला गया, दोनों ही तरफ से हुआ है सर। अगर नफरत, भय, डर, दहशत की एक तरफ पॉलिटिक्स रची गई, तो ये भी वो बयान है जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। देखिए, ये बात मैं कहता हूं कि कुछ बयान ऐसे होते हैं जो उकसाने वाले होते हैं, उनसे माहौल खराब हो सकता है, परंतु शर्मिंदा करने वाली बात तो मुझे थोड़ी आपत्ति है। यदि प्रवेश वर्मा के बात पर दीपक वाजपेयी जी ने कहा कि घर में घुस आएंगे और ये होगा, तो जनवरी 1990 में श्रीनगर में यही तो हुआ था ना, कि कोई कल्पना से उपजा था वो, असम के धुबरी और बरबेटा में यही हुआ था ना, बंगाल के मालदा में ऐसी घटनाएं हुई थी ना, केरल के मल्ला, तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया जब आपको आशंका थी, जोजफ को निकाल के पुलिस आपका गृहमंत्री सब क्यों दिया गया था? इसलिए मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, पुलिस सब क्यों रहेगी कि ये भड़काने के जब लिए कोई आपको अंदाजा था तो पुलिस क्यों सा रही थी, तो गृहमंत्री क्यों सा रहे थे? 1984 में दिल्ली में क्या हुआ था? इसी दिल्ली में यही हुआ था ना। तो शर्मिंदा होने की बात, जो कह दे वो शर्मिंदा और जो कर दे वो शर्मिंदा ना हो, मेरे विचार से ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जैसे असीम वकार साहब ने कहा कि 100 करोड़ बोला हो तो जो कहे, तो भाई अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को बोला था, जनता ये कह सकती थी धक्के मारो, जनता कह सकती थी जूते मारो, जनता ने कहा गोली मारो, अनुराग ठाकुर ने तो गोली मारो नहीं कहा। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, जब गोली मारो का नारा लगने लगा तो मंत्री के नाते उन्हें संयम बरतते हुए उसको रोकना चाहिए था। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो 2000 में बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद आज तक एक भी अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा ऐसी नहीं रही है जब कश्मीर में कोई घटना ना हुई हो, सिर्फ ट्रंप की यात्रा के दौरान नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो यहां पे हो गई क्यों? जब शाहीन बाग का मामला लग रहा था समाधान की तरफ बढ़ रहा है तो अचानक सब कुछ होने लगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, आप कहेंगे कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की और शूटर साइड का ऑर्डर क्यों नहीं दिया। देखिए, जिस समय अमेरिका का राष्ट्रपति दिल्ली में होता है और वो भी ट्रंप जैसा राष्ट्रपति जो बगदादी और सुलेमानी के मारने के बाद यहां पर हो, तो सुरक्षा एजेंसियों के कई लेयर होते हैं और उन्हें सारी संभावनाएं ध्यान रखनी पड़ती हैं। आज तो दंगा बड़ा हो गया तो हमें आसान लग रहा है एनालिसिस में, उस समय यह भी शक हो सकता था कहीं ये ध्यान बंटवाने की साजिश तो नहीं, कोई बड़ी आतंकवादी करने के घटना करने के लिए कुछ तो नहीं। तो उस समय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर
की सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के बीच में दिल्ली पुलिस को जो कार्य करना पड़ रहा था, दिल्ली पुलिस की वह स्थिति वहां के सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बजाय यहां टीवी चैनल पर बैठकर पोस्ट फैक्टर एनालिसिस में पोस्टमार्टम करना आसान है। राशिद जी देखिए क्या बात करते हो सुधांशु जी, बड़ी लोग मर रहे थे, आप शाम को देख रहे थे, आर्मी को बुला सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये किस तरह का जस्टिफिकेशन है? हमेशा यही करते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है तो 84 में ऐसा हुआ था, तो मालदा में ऐसा हुआ था, तो कश्मीर में ऐसा हुआ था, तो क्या आप इसे जस्टिफाई करेंगे? 84 का दंगा मैंने भी देखा, इंसानियत सोच था, नाकाबिले बर्दाश्त था, नाकाबिले माफी था। क्या उसका बदला आप दिल्ली में लिया जाएगा? आप कह रहे हैं कि साजिश थी, उस साजिश को कौन रोकेगा? कौन उस साजिश का पर्दाफाश करेगा? आप करेंगे, आपके हाथ में सत्ता, लेकिन जब गृह मंत्री बोलेगा कि बटन इतनी जोर से दबाना कि शाहीन बाग के करंट लग जाए, तो दंगा तो होना ही था। ऐसे भाषण दोगे उसका यही नतीजा होगा। और केसी त्यागी साहब, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, पठान के बारे में 10 बयान मैंने दिए, हमेशा यह कहा जाता है उसको तो आपने कुछ नहीं कहा है। पठान और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हैदराबाद एक छोटी सी जगह है जहां पे मुसलमान मेजोरिटी के अंदर है, वहां पे ये चुनाव जीत जाते हैं, कुछ MLA एक MP, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जो मर्जी आएगी वो बोलेंगे कि 15 करोड़ 100 करोड़ को मार देंगे। ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करते हैं, BJP इनके हाथ मजबूत करती है, ये BJP के हाथ मजबूत करते हैं, इसके अंदर कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आज बड़ा सवाल दिल्ली का है, CAA को छोड़ दीजिए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर ये सब कुछ हुआ उस वक्त जब अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद था। यहाँ हमारे दोस्त कह रहे हैं त्रिवेदी, कश्मीर के अंदर कुछ नहीं हुआ। अरे कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में तो आपने ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया के अंदर बदनामगी हो रही है, बर्बाद हो गए दिल्ली के लोग, और जानबूझ के पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अगर चाहती तो उसको रोक सकती थी। और अब आपने SIT बनाई है, SIT क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? पुलिस तो खुद इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूं आपसे, पुलिस ने जो साजिश करने वाले थे, जो गुंडे थे, उनका साथ दिया, उस SIT पे कैसा भरोसा करेंगे? अगर आप ईमानदार हैं, जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में कराइए, पता चले सच्चाई क्या है। क्या हमारा काम यही हो गया है कि हम हाथ फैला के दरख्वास्त करते रहें कि सच्चाई का पता चलना चाहिए, साजिशों का पता चलना चाहिए, और आप आर्गुमेंट देते रहें कि 84 में तो आपने ऐसा कर दिया था, कश्मीर में तो ये हो रहा था। अरे सुधांशु भाई, आज आप सत्ता में हैं, देश के लोगों ने आपको ताकत इसलिए दी है कि आप देश को ठीक रखें, ना कि इसलिए हर बार आप कह देंगे CAA ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो क्या आप वही सब कुछ कर रहे हैं जो हम ठीक है? जवाब देने के लिए सुधांशु जी भी हाथ उठा रहे हैं, त्यागी जी भी, दीपक जी भी। सुधांशु जी दो दो लाइन का जवाब दीजिएगा, मैं सबके पास वकार साहब और मनोजीत दा के पास भी जाना चाह रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधांशु जी जवाब दीजिए दो लाइन में। बस मैं एक ही बिंदु पे कह दूंगा कि अगर आपने मान लिया कि आपने किया था तो फिर हमें उसके करने का दोष मत दीजिए। आप ये कहिए कि आपने गलत, हम गलत किए थे तो आप भी गलत किए, ये बात मान लीजिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं है, राशिद अलवी जी ने अपने पिछले वक्तव्य में जज के ऊपर भरोसे की बात खत्म कर दी थी, तो आप तो सारी व्यवस्थाओं की बात खत्म कर देंगे। एक बिंदु बस स्पष्ट कर दूं, जिन जज महोदय के ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, 12 फरवरी को उनका ट्रांसफर हो गया था, वो भी कंसेंट दे चुके थे, जहां उनका ट्रांसफर जाना वो भी कंसेंट दे चुके थे, 27 फरवरी को वो इंप्लीमेंट होता है 15 दिन के बाद, और वो आपको रातों रात नजर आने लगता है, तो इसके लिए हम क्या करें? यही मैं बात कह रहा हूं, सच को छुपाकर भड़काने का प्रयास। अरे 15 दिन में तो ये प्रश्न होना चाहिए कि 15 दिन क्यों लगे ट्रांसफर होने में, 15 दिन बाद होने में कहा जाता रातों रात हो गया। त्यागी जी इस पर भी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन ये जो अपने नेताओं को सिर्फ ये कह के अनुराग ठाकुर ने कहा ऐसा बचना चाहिए था, क्या BJP अपना दामन बचा सकती है?
देखिए राशिद अलवी जी ने जो कहा है हाँ। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। राशिद भाई, मैं कपिल मिश्रा के वक्तव्य की निंदा करता हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री होते हुए ठाकुर को इस तरह के पब्लिकली नारों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। मैंने अखलाक की हत्या को भी गुनाह माना है। हमने जिस तरह की काऊ के नाम पर जिस तरह से लोगों को मारा गया है उसको भी हमने अच्छा नहीं माना है। और मैं आप मुझको जानते, मैं आपको जानता हूँ, जनसंघ के समय से हम लोगों ने उनके साथ काम भी किया और डिसएग्रीमेंट भी रहा है। भागलपुर की एक घटना है, चौबे जी मिनिस्टर हैं केंद्र में, भागलपुर में रामनवमी के एक जुलूस को उनके बेटे ने नेतृत्व दिया और उसमें कुछ उत्तेजनात्मक नारे लगे। हमारी मित्र पार्टी असहज थी लेकिन हमने उनके बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेजा। तो वहाँ तो दंगा बिहार में नहीं होता, वहाँ उसका नेता का इकबाल कायम है। लालू प्रसाद जी के समय में सीतामढ़ी में जो दंगा हुआ था, आपकी जानकारी तो, आप तो विद्वान आदमी हैं, भागलपुर के दंगे में 2200 लोग मरे थे, 2200। और कौन लोग थे आपको पता है? ये वकार साहब को जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, वो बयान दे देते हैं आफत मुसलमानों की आती है, ये मुसलमानों की भी हमदर्द नहीं है। जब आप 15 बनाम 100 करोड़ करोगे तो 100 करोड़ भी उत्तेजित होंगे। उनके पास भी इस तरह के तथ्य मौजूद हैं बताने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ ये साजिश हो रही है। ठीक है, लिहाजा जो भी पार्टी का नेता इस तरह के वक्तव्य देते हैं, एक तो मैं मानता हूँ नॉन पॉलिटिकल, इसके बाद दीपक जी वो कह रहे हैं जहर वाले ये बयान मुस्लिमों का नुकसान करते हैं, लेकिन पार्टियों को वकार साहब, राशिद साहब ने हमको क्या कह दिया, बीजेपी के एजेंट। हाँ, राशिद अलवी साहब ने कहा बीजेपी के एजेंट। वो एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं गांव गांव, कभी आप जाइए तो चाहे सर दर्द हो, चाहे पैर दर्द हो, पेट दर्द हो, खांसी, नजला, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वो एक ही गोली दे देते, क्रोसिन खा लो, उनके पास दूसरी गोली नहीं होती है। अब 5 साल तक बिहार में नीतीश बीजेपी का एजेंट इनके लिए, और जब चुनाव आया तो बीजेपी इनके नीतीश इनके साथ आ गए। फिर बिहार में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह बीजेपी के एजेंट हो गए। टॉपिक पे आइए ना, यूपी में आए, मुलायम सिंह के अलायंस कर लिया। से मत जोड़िए, वो कह रहे हैं कि कर्नाटका में नफरत जो बोई गई उसी वजह से मुस्लिमों का भी नुकसान हुआ। सुनिए, नहीं मैं देता हूँ जवाब इनका, मैं जवाब देता हूँ इनका। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं जवाब देता हूँ। कर्नाटका में कुमार स्वामी बीजेपी के एजेंट थे, सरकार खत्म, इलेक्शन खत्म हो गए, उसी बीजेपी के एजेंट के साथ सरकार बना ली। वक्त बहुत कम, एकदम मैं चाह रही हूँ एक एक लाइन में ताकि सबका जवाब हो सके। जल्दी से आसिम वकार साहब एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। वकार साहब आवाज नहीं जा रही है, दीपक वाजपेयी, दीपक वाजपेयी जी जल्दी से सब। खाली इतना ये पूछ लीजिए कि आज तक कोई दल ऐसा है, हाँ अंजना जी चाह रहा हूँ कि बंगाल विभाजन 1906 में हुआ था और 1916 में वापस हुआ, तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बने, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों को लॉर्ड कर्जन वाली ने काम दिया था हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का। इन्होंने 1939 में साथ मिलकर सरकारें बनाई, मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ चिट्ठी लिखी गवर्नर को कि हम इनको ठीक करेंगे, कुछ लेंगे। 1948 में उन्होंने बंगाल विभाजन के लिए चिट्ठी लिखी कि अगर हिंदुस्तान का विभाजन ना हो सके तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि बंगाल का विभाजन जरूर कर दीजिए। ये तब से साथ मिलकर नफरत फैला रहे। ठीक है, वक्त की बहुत कमी, वक्त की बहुत कमी, मनोज जी एक लाइन में सर, एक लाइन। मुस्लिम लीग आज खत्म हो जाए, देखिए ये बहुत शर्म की बात है कि इतना भड़काव, ये सब भाषण दिया, एक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुआ, और देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ, काली और गोली मारो। एक लाइन में जवाब, बस 100 साल में कांग्रेस यहां पे पहुंची है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ चौरी चौरा के चलते हुए पूरा सहयोग आंदोलन रोक दिया था, आज सोनिया गांधी की कांग्रेस सड़क पे आके आर पार करने की बात करती है जबकि पूरी दिल्ली जल रही है। बहस का अंत करना पड़ेगा, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।